ये देखिए, यहाँ पे विक्रम भैया अपने दुकान सेट कर लिए हैं नहा धोवा के बकायदे, और सारे सामान यहाँ पे रेडी हो गया है, आलू वगैरह, दोना वगैरह। इतनी पानी पूरी ले जाएंगे आज? बस शनिवार है ना। अच्छा, मार्केट कम रहता है शनिवार को ना, दुकान वगैरह सारी बंद रहती है मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए चक्के में हवा कम हो गई है, हवा जा रही है हमारी 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 है। देखिए चाइना पंप रखते हैं सारे पानी पूरी वाले, मतलब 4-5-10 पंप मारे और फटाक से भरा गया। बस देखिए टायर में। तो ये देखिए विक्रम भैया चले दुकान लेके अपनी, और जहाँ पे लगाते हैं फिर चलते हैं अपन भी वहाँ पे और देखते हैं इनकी मेकिंग। विक्रम भैया आ चुके हैं अपनी जगह पे, स्टूल का भी ऊपर रख दिए, पहले दुकान सेट कर लेंगे। पानी वगैरह लेके आते हैं घर से? यहाँ से अकेले हैं ना, तो फिर पानी भरने कौन जाएगा, है कि नहीं? तो ये देखिए भैया का तवा कितना ज़्यादा मोटा है, और ये एक बार गैस से गर्म होता है ना, उसके बाद बढ़िया गर्म रहता ही है। कितने किलो का तवा है ये? 13 किलो। 13 किलो का? कितने के लिए थे? 600 रुपये का 13 किलो का? पुराना लिए थे कि नया? कैसे रुपये किलो पड़ा है? तो फिर तो अपने यहाँ से लाया था यूपी। अच्छा, यूपी से लाए थे, सस्ता पड़ गया। यहाँ रहता तो कम से कम 1200 या 1500 के आसपास पड़ता, 1500 से कम नहीं पड़ता लेकिन ये। तो अभी यहाँ पे दुकान सेट कर रहे हैं, मसाला वगैरह सेट कर रहे हैं सब। ये देखिए काला नमक को भी डालेंगे कटोरी में। तो ये देखिए जीरा धनिया का मसाला है, आप लोग देख सकते हो जो पानी पूरी में यूज़ किया जाता है वही। और जीरा ना देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खड़ा रखा गया है। इतना खड़ा काहे रखे हैं इसको, पीछे क्यों नहीं है भैया? अरे तो मुंह में टेस्ट भी तो आना जरूरी है ना। तो खड़ा से टेस्ट आएगा? हाँ ऐसा। तो यहाँ पे तवा सेट हो चुका है देखो। अच्छा, मतलब हिलता है तो लकड़ी चम्मच या कोई छोटा सा पत्थर लगाना पड़ता है ना? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अब नहीं हिल रहा है। लाइटर नहीं रखते यार कोई भी। अरे वाह, ये देखो शानदार तरीका है, छोटी सी टंकी और पतला सा पाइप, और नीचे हाँ जल के भैया जल गया नीचे से हाथ डाल के जला देते हैं, लाइटर की क्या ज़रूरत। और लाइटर होगा बिना तो मान लो यहाँ से ना अंदर नहीं घुस पाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ही वेल्डिंग करवा के रखे हैं। मतलब ये चूल्हा अलग से आया है, ये स्टैंड अलग से आया है। तो यहाँ पे देखिए धनिया पत्ती डालेंगे अभी पानी में, मटर में, और अभी टिक्की भी बनाएंगे। ये देखो आलू यहाँ पर रखे हुए हैं अभी टिक्की के लिए, मतलब दुकानदार एक टाइम हो गया है। अभी कितना बज रहा है भैया तकरीबन? पौने दस। मतलब ये दुकान लगा लेते हैं सुबह के साढ़े नौ बजे ही लगा लेते हैं दुकान। और अभी आपको मैं टाइम दिखाऊं तो ये देखिए टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये 9 बज के मतलब टोटल ना 10 बज चुके हैं। वाह, 9:30 बजे आ गए हैं, मालिक घर से निकलते हैं 9:30 बजे तक। तो यहाँ पर तेल डाल दिए हैं तवा में, और यहाँ पर टिकिया बनना स्टार्ट होता है। मतलब टिकिया में सिर्फ आलू रहता है ना? और एक टिकिया की चाट कितने देते हैं? 15 का है, 20 का है, 10 का भी है। 10 का भी है, मतलब जैसे कस्टमर? हाँ वैसा रेट। मतलब कस्टमर खाली नहीं जाता हमारे दुकान, जाना भी नहीं चाहिए। हाँ ये क्या है ना, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई छोटा बच्चा है बोल देता है कि 10 का खिलाओ, तो भी जरूरी है ना, लो खा लो जाइए। हाँ खा लो भैया। हाँ ये देखिए टिक्की बनाने का इनका स्टाइल, इसको गोल नहीं करेंगे? होगा ना, अभी कहाँ चल रहा है। तो ये देखिए ये सफ़ेद आलू है ना भैया? हाँ। सफ़ेद आलू थोड़ा सा गीला रहता है ना, और लाल आलू थोड़ा सा टाइट रहता है, तो सफ़ेद आलू थोड़ा सा गीला हो गया है, इसी चक्कर में थोड़ी दिक्कत होती है। ये देखो हल्का सा तेल लगाया, और वो जो गोल गोल बनाए थे उसको और गोल किया हाथ से। ये देखो फटाक से बना देते हैं एकदम टिकिया, एकदम बेहतरीन वाला। ये टिकिया वगैरह सेक लिए हैं, और दुकानदारी भी चालू कर दी है अपनी। ये देखिए ये भाई साहब देखिए पानी पी रहे हैं। पीजिए सर, पीजिए, सुनिए तो पीजिए, बताइए कैसा लग रहा है? ठीक है, पीजिए तो पहले। ठीक है कि मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। हाँ इसे बोलिए ठीक है। तो भाई साहब खिलाने का स्टाइल देखिए, चम्मच से खिलाते हैं, पानी भी चम्मच से और मसाला भी चम्मच से।
दस कितने देते हो भैया? छः पीस। दस रुपये की छः पीस। और मीठी वाली? चार पीस। मीठी वाली चार पीस। और भाई साहब यहाँ पे देखिए चाट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब गैस चालू करते हैं उसको, बंद नहीं करते हैं उसको। टमाटर, प्याज, कितने चाट बना रहे हैं भैया? दो प्लेट। दो प्लेट में पूरा एक टमाटर डाल दिए। काला नमक डाल दिए, सफ़ेद नमक, जीरा धनिया, सर्वेसरी का मसाला। हम लोग एरिया में ना ये गरम मसाला बहुत ज़्यादा फेमस है। और हरी चटनी का पेस्ट, अब उसको फ्राई कर देंगे अच्छी तरीके से। ये चार टिकट डाल दिए दो प्लेट चाट में। ये टमाटर को दबा देंगे अच्छी तरीके से। ये मतलब बड़ी बड़ी चम्मच है तो दो भर के डाल दिए ना, उतना का ज़्यादा ये काफ़ी है इतना। मटर में देखिए मस्त धनिया पत्ती पहले से मिक्स करके रखे हुए हैं। ये देखो तो ये देखिए एक प्लेट चाट निकल रहा है, मतलब फुल चाट है ना ये, मतलब एकदम अंदाज से बना है ये, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं हुआ है ना उसमें ज़्यादा ना इसमें कम, दोनों में बराबर। और तावा भी पूरा यहाँ पे खाली हो चुका है, मतलब कस्टमर आते जाते हैं और आप बनाते जाते हैं, मतलब इकट्ठा बनाने का नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। ये क्रंची क्रंची पापड़ी फोड़ दिए, प्याज, दही मीठा। दही मीठा खाएंगे भैया? नहीं खाएंगे, मतलब आप पूछ लेते हैं पहले से ही ना। खट्टा, अलग से मिर्ची डाल दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए फाइनली पानी पूरी मैं भी खा लेता हूँ एक दो पीस। तो ये दोनों ले लिया है मैंने, ये देखो मस्त छोटी सी है, लाल है एकदम। टेस्ट काफ़ी बेहतरीन है, जो भी मसाला वगैरह डाले ना तो उनका अंदाज होता है। मान लो कोई पानी पूरी का पानी बना रहा है तो वो एक बार में थोड़ी बना पाएगा भैया, बार बार उसको बना के ट्राई करना पड़ेगा, हाँ नमक कम है, ये कम है, वो सब देखना पड़ता है। बाकी भैया जो भी मसाला डाले ना सब बेस्ट है। तो दोस्तों देखा मैंने सारा कुछ दिखा दिया आपको, ठेला कैसे लगाते हैं, टिकिया बनाना, चाट दिखाना, मस्त मेरे को एक नंबर लगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने टाइटल में अपने ब्लॉग वाले चैनल का भी मेंशन किया है, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तभी यहाँ पे देख सकते हैं दुकान रेडी है,